नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड की राजनीति आने वाले दिनों में किस ओर करवट लेगी, इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। और चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि हेमंत सोरेन पर जल्द ही चुनाव आयोग अपना फैसला सुना सकता है। अगर यह फैसला हेमंत सोरेन के खिलाफ होता है तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड की राजनीति में कितना बड़ा उलटफेर हमें देखने को मिलेगा। बता दें कि हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज सीएम आवास पर यूपीए विधायक दल की बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में सभी विधायकों को आने के लिए कहा गया था। यह बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण था, लेकिन इसके बावजूद कई विधायक इस बैठक से नदारद भी नजर आए। अगर हम बात करें कांग्रेस के 3 विधायकों की, तो कुछ 3 विधायक जो है वो इस वक्त कलकत्ता में है और उन्हें कलकत्ता में ही रहना है, इसकी हिदायत उन्हें दी गई है। लेकिन उसके अलावा कांग्रेस के और भी विधायक नदारद रहे, जिस पर मंत्री आलमगीर आलम ने सफाई देते हुए कहा कि वो विधायक जो है वो दिल्ली में है और फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से वह इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए। वहीं पूर्णिमा निगर सिंह को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि वह बाहर है, इसलिए वह इस बैठक में शामिल नहीं हो पाई। हेमंत सोरेन की सरकार आने वाले 5 सालों का कार्यकाल जो है वो पूर्ण करेगी, इस बात को उन्होंने प्रमुखता से रखा और कहा कि हमारी सरकार जो है वो 5 साल के कार्यकाल को पूरा करेगी। लेकिन इस वक्त अगर हम झारखंड की राजनीतिक हालात की चर्चा करें तो झारखंड की राजनीतिक हालात की चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हेमंत सोरेन पर जल्द ही चुनाव आयोग जो है वो अपना फैसला सुनाएगा। ऐसे में क्या यह कार्यकाल पूरा करना सरकार के लिए आसान होगा? लेकिन इस पर मंत्री जी ने क्या कहा है, सबसे पहले हम आपको वो सुनाते हैं। और सारे लोग इंटैक्ट हैं, जो अफवाहें फैल रही है कि उसके लिए और इसके लिए, इसमें कोई आधार नहीं है। हमारे सारे विधायक जो है गठबंधन का इंटैक्ट है, और हम पहले भी बोलते हैं, आज भी बोलते हैं कि हमारी सरकार जो बनी है गठबंधन की सरकार, 3 करोड़ लोगों का आशीर्वाद मिला है, ये सरकार अपना कार्य चल रहा है। चर्चा नहीं, किसी भी विधायक का बैठक में देखिए, 3 विधायक तो आप जानते हैं जो कलकत्ता में है, 1 विधायक जो दिल्ली से आ रहे थे उसका फ्लाइट 1 बार नहीं 3 बार रांची में लैंड नहीं कर पाया। एक जो है ममता जी, आप लोगों को जानकारी है कि उनको क्या हुआ है, और पूर्णिमा जी वो गए हैं बाहर। 3-4 विधायक पहले से हम इन्फॉर्मेशन दे दिया था, सिंकू का तबीयत खराब था फिर भी वो आज भी वो पहुँचा है। तो हमारा विधायक मंत्री सारे लोग मौजूद थे और कहीं इब बट नहीं किसी का। मान लीजिए ममता का तबीयत ठीक नहीं है, उसका डेंगू से तो होगा ही। हेमंत सोरेन के आवास पर यूपीए विधायक दल की जो बैठक हुई, यह बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। आपने आलमगीर आलम को सुना जिन्होंने कहा कि कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई है, सुखाड़ को लेकर की भी चर्चा हुई है और आगे किस तरीके से समस्याओं का और कामों का निपटारा किया जाए, इस बैठक में इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस बैठक में क्या कुछ चर्चा जो है वो तमाम विधायकों के साथ हेमंत सोरेन ने की है, और आने वाले समय में झारखंड की राजनीति किस ओर करवट लेगी ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि झारखंड की राजनीति में इन दिनों हेमंत सोरेन को लेकर चर्चा जोरों पर है। तो मेरे साथ फिलहाल इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव लगातार। नमस्कार।